ये शब्द था विवेक दो, वैराग्य दो। विवेक वैराग्य जागृत हो, विवेक वैराग्य रहे, जागृत रहे। विवेक वो ज्ञान की आधार, जब विवेक जागृत होता है तब बिना कारण की प्रश्न आता ही नहीं है, सिर्फ कारण की आता है, जिस कारण ये जन्म है। ये देह बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार आना हर बार जाना, उसकी खबर हमें ज़रूरत नहीं, हम नहीं जानते। जो भी तुम शरीर में हो, आनंदित हो क्या? नहीं ना, कोई ना कोई कारण से निरानंद तो हो ही जाते हो। ये जो अज्ञानता की जो जगत है, इससे ज्ञान पथ में जाने के लिए सर्वप्रथम विवेक जागृत होना ज़रूरत है, वैराग्य आना ज़रूरत है, राग अटैचमेंट, मैं और मेरा देह और उसमें मन, मेरी समझ, ये सब में अटैचमेंट, मैं मेरे की बाहर तुम जाना नहीं चाहते, उसमें बंधित हो। और दो शब्द लिखा है, फेथ, विश्वास, इसको धरा रखो। भक्ति और विश्वास, रेवरेंस और फेथ, ये लिखा है। ये तीनों ही शब्द के वहाँ पे जिक्र है। भक्ति वो स्थान है जहाँ से मुक्ति तक प्राप्त होता है। मुक्ति तब होगी जब ज्ञान होगी, तो भक्ति पथ शुरू होता है तो ज्ञान की आलग से ही मुक्त होते हैं मन अज्ञानता से। अज्ञानता से मुक्त इस जिंदगी में होना है, मृत्यु की बात तो वो मृत्यु है, वो मुक्ति नहीं है। मुक्ति बुद्धि की होती है, बुद्धि की जकड़ से मुक्त होना रहता है। ये पथ कौन दिखाएगा? ये भी लिखा हुआ है, जो गुरु देही तुमने माना है, जिन्होंने ये पथ चले हैं, जिनको ये खबर है, उनके सुनो और ये तीनों पथ पालन करो, वो भी तुम्हें यही बताएंगे।